एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए होंगे। हम अपना ट्रेड पहले बना लेते हैं और व्यू एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि व्यू हमने बोला क्या था मार्केट मैंने मार्केट में ये बोला था कि मार्केट अगर गैप अप हो जाता है, हैवी गैप अप हो जाता है विच इज डेट, और मैंने बोला था एसजीएक्स जहाँ पे 250-300 पॉइंट्स के आसपास का डिफरेंस दिखा रहा था पॉजिटिव साइड में, हम एसजीएक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। ये मिनिमम 150 पॉइंट्स का गैप अप करेगा और आप देखोगे 650-800 एग्जैक्टली 150 पॉइंट्स का ये गैप अप किया है। और व्यू हमारा क्या था, अगर मार्केट गैप अप होता है तो हम तो भी मैं बाई ऑन डिप्स में नहीं रहूंगा, मेरी कोई बाय नहीं होगी। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, बट मैं बाई नहीं करूंगा। दैट वॉज माई क्लियर व्यू। आई वुड लुक फॉर ए सेल ऑन राइज, क्योंकि हमारा जो व्यू था कि डे एंड तक मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा और फुल डे सेल ऑन राइज रहेगा। तो एस्ट्रो हमारी डे में जो थी वो सेल ऑन राइज की थी और मैंने बोला था एक घंटा वेट करना आपको, 45 मिनट्स टू 1 आवर। ये कैंडल ऊपर गया मार्केट डे हाई टच करके, ये जब कैंडल रेड बनाया था दिस इज ए कंफर्मेशन के मार्केट अभी एस्ट्रो टाइमिंग हमारी कंफर्म होगी बिकॉज विद इन 1 आवर मार्केट ने सेल ऑन राइज दे दिया, ऑलमोस्ट डे लो के आसपास पहुंच गया था। तो ये कंफर्म था कि मार्केट सेल ऑन राइज होगा और दिन भर सेल ऑन राइज होगा। सो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 3 o'clock तक मार्केट ने सेल ऑन राइज किया और एक्सपायरी थी मंथली, तो लास्ट में ये जो शॉर्ट कवरिंग आई एक्सपेक्टेड नहीं थी, आई मीन एक्सपेक्टेड था बट आज मंथली एक्सपायरी है बोल के हम लोग भूल गए थे। बट एनीवे अगर आप लोगों को याद होगा मैंने आपको 2 बजे एक सेल दिया था, मैंने बोला था 2 o'clock के बाद मार्केट ग्रीन कैंडल बनाएगा बट आपको बाय नहीं करना है, आपको सेल करना है। आई गेव इट लाइक 1-1.5 hour इन एडवांस और लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बने यहाँ पे। अगर आप लोग को याद होगा 240K ही कैंडल पे मैंने बुक किया था और मैंने बोला था ये जो कैंडल है ये 240 के कैंडल में हमें बुक करना चाहिए, आई एम क्लोजिंग ऑल माय बुकिंग। तो मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहा था, बैंक निफ्टी में कर रहा था ऑफकोर्स, बट 240 को ही हमने बुकिंग करी थी। 210 को मेरी सेल थी बिकॉज पहला रेड कैंडल 210 को बना, ये वाला अगर आप देखोगे 210 को हमारी सेल थी बिकॉज 2-3 तक हमारा एटलीस्ट 330 तक एटलीस्ट हमारा सेल ऑन राइज का व्यू था, बट हमने बुकिंग 240 को ही करी थी। देयर इज अ रीजन, निफ्टी में वो रीजन नहीं था, बैंक निफ्टी में था। जिन लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग लिया है उनको पता है कि मैं बैंक निफ्टी में क्यों एग्जैक्टली 240 पे बुक किया, क्यों उस लेवल पे, और बैंक निफ्टी निफ्टी में मिला के ऊपर लेके गए अलग बात है, बट हमारी ये वाली। तो आज अगर देखोगे ये थी निफ्टी की, ये जो थी ये सरप्राइज मूव था, ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट दैट। ओके तो इसको हम इग्नोर करेंगे। और मैंने एक चीज और बोली थी कि ये एक्सपायरी तक निफ्टी 60 ये जो है 16,750 16,800 का जो लेवल है अपर साइड की जो कैपिंग है वो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। मेरा तो एक पर्सनल व्यू था कि मार्केट 17,700 भी सस्टेन नहीं करेगा। दैट्स व्हाट हैपेंड इन बोथ द डेज। इफ यू लुक एट ट्यूजडे मार्केट 17,700 के नीचे आया, आज भी मार्केट गैप अप किया 17,700 के नीचे आया। ये लास्ट में एक मूवमेंट आई अलग बात है, लोगों ने बोला बाय कब करना है, मैंने तभी बाय करने का बोलना है जब 17,800 दैट मीन्स ये जो वीकली हाई है इसके ऊपर मार्केट मिनिमम 2 दिन सस्टेन करे। अगर सस्टेन करता है फिर हम बियर में नहीं रहेंगे, बुल में ही रहेंगे, बाय एंड डिप्स में रहेंगे, बट अभी उसमें टाइम है राइट। बैंक निफ्टी के अगर हम ट्रेड देखें, मैंने आपको क्या बोला था कि मेरा वीकली वीडियो में भी अगर आपको याद होगा मैंने एक लेवल दिया था 41,600 के आसपास, यहाँ पे ये जो सेल जोन बनाई मैंने 41,600 मैंने बोला था कि 41,600 ये वीक मार्केट क्रॉस नहीं कर सकता। मार्केट माइट गैप अप, ऐसा नहीं कि गैप अप नहीं किया, मार्केट माइट गैप अप बट ऑल द राइज विल बी स्लो, दैट्स व्हाट माय कैलकुलेशन। ये वीकली वीडियो में बहुत क्लियरली बोला था। और आज का जो कल तो हमने जो पैसे बनाया बनाया वीडियो में आपको पता ही होगा, आज भी कल हाँ एक जो हमारी पी की पोजीशन थी उसने लॉस दिया, अगर आप देखोगे 200 पॉइंट के आसपास हमारी लॉस थी, बट फिर मेरा कॉन्फिडेंस बना ये रेड कैंडल पे जो मैंने बोला था ना कि 950 में जो रेड कैंडल बना, फिर मैंने यहाँ पे फ्यूचर सेल किया। फ्यूचर सेल की बुकिंग जो हुई हमारी यहाँ पे हुई थी 240 का कैंडल, उसके बीच में हमने ऑप्शन ट्रेड लिए है, यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड लिया है। ये वाला मैंने एक 70 पॉइंट्स का ट्रेड लिया था 41,300 ग्रुप में, काफी लोगों ने भी लिया था और ये मैं एडवांस में देखे गया था। मैं आपको क्या बोला था, मार्केट जब यहाँ पे फॉल कर रहा था, जब यहाँ से यहाँ मार्केट पहुंचा था, आपको अगर याद होगा यहाँ पे मार्केट पहुंचा था, मैंने बोला अभी आई नीड ए रिट्रेसमेंट और ये रिट्रेसमेंट जब होगा वो रिट्रेसमेंट को हम सेल करेंगे राइट। ये पैटर्न भी मैंने बताया था आपको। तो मोटा मोटा द डे हैज बिकम ग्रीन फॉर श्योर। हाँ स्टार्टिंग में हमारी 35,000 की लॉस थी बट उसके ऊपर हमने
काफी पैसे बनाए जो हमारी सेंचुरी बन गई थी। सेंचुरी इसी फॉल ने बनाया एक्चुअली, 70 पॉइंट का जो फॉल था उसी ने हमें सेंचुरी के आसपास लेके पहुंचाया हमको। बट फ्यूचर में स्मॉल क्वांटिटी था अराउंड, मेरे ख्याल से कुछ 10-15 हज़ार, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा, बट 10-15 हज़ार बने होंगे, क्वांटिटी कम था, मूवमेंट भी छोटी थी, ऑप्शन में ज्यादा पैसे बने। बट अल्टीमेटली इवन इफ एट ह्यूज गैप अप, वी आर इन प्रॉफिटेबल टूडे एंड द व्यू विद द सेल ऑन राइज फ्रॉम दिस कैंडल, राइट। यहीं से मैंने सेल चालू किया था। यहाँ पे एक बार मेरी बुकिंग थी ऑप्शन की, स्कैल्पिंग की, फ्यूचर तो मैंने यहाँ पे बुक किया था, और एक ऑप्शन की जो बाइंग थी हमारी यहाँ से, यहाँ 70 पॉइंट्स की थी। ये वाला हमने नहीं किया था, 3 बजे के बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया था और हमने सारा कुछ क्लोज कर दिया था। जिन्होंने पैसे बनाए बढ़िया, कुडस टू देम, राइट। सो दिस वीक इफ यू लुक एट, वी हैव बीन ग्रीन एवरी डे। मंडे तो सबको पता है जैकपॉट पैसे हमने बनाए, ट्यूजडे भी हमने बढ़िया पैसे बनाए, राइट। ये फॉल तो हमने लिया ही था, राइट, ये फॉल यहाँ तक डे लो तक लिया था हमने, राइट। तो ट्यूजडे भी बनाया, वेनेसडे छुट्टी है, थर्सडे भी हमने पैसे वाला, कल क्या बनेगा कल देखते हैं। कल मैंने जैसे ग्रुप में बोला ऑलरेडी आपको, मेरा जो व्यू है कि 41,600 कल भी सेव होना चाहिए। तो मैंने क्लियरली लिखा लिखा कि शायद मार्केट कल भी ये लेवल क्रॉस ना करे, और कल अगर मार्केट की एक कैपिंग लेवल देखोगे तो यही कैपिंग लेवल है, 630 का कैपिंग लेवल है ऑन द अपर साइड, इवन फॉर टुमारो, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं। क्रूशियल लेवल जो बैंक निफ्टी की बनती है, वो बनती है ये 41,327 की, ओके। ये हमारी एक ड्यू डे लेवल कल बनेगी एंड दिस माइट बी ए वंडरफुल सपोर्ट अगर मार्केट गैप अप होता है, ठीक है। अगर हम मास्टर टाइमिंग की बात करें, मास्टर टाइमिंग में मार्केट हमें क्या बोल रहा है कि 9:15 टू, एक बार बता देता हूँ, मेरे आस्टर टाइमिंग हैज वर्क्ड रियली वंडरफुली दिस एंटायर वीक। तो एक सेकेंड, तो अगर यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं तो टाइमिंग हमारी जो बन रही है, और आज देखो कि हमारी आज की जो टाइमिंग थी वो डे भर सेल ऑन राइज का ही था, एटलीस्ट 3 o'clock तो मार्केट ने सेल ऑन राइज ही दिया है, राइट, ओके। ये मूव को इग्नोर करते हैं, लास्ट 15-20 मिनट में क्या होता है वो डोंट नो। एक्सपायरी में जनरली 3 बजे के बाद हमें ऐसे भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो कल की जो पैटर्न बन रही है वो पैटर्न बन रही है ऐसे, 9:15 to 10:45 सेल ऑन राइज, 11 to 1:45 बाय ऑन डिप्स, ओके, वी माइट सी सम रेड कैंडल्स इन बिटवीन ऑफ कोर्स, एंड 2 to 3:30 गुड सेल ऑन राइज, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर पैटर्न देखोगे आपको ऐसा बनेगा, और जैसे मैंने ग्रुप में लिखा आप लोगों को कि मार्केट जो है शायद अपर साइड में रेंज बाउंड कर दे, मतलब पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। इट माइट बी ए रेंज बाउंड मार्केट टुमारो, वोलेटिलिटी कितना होगा वी डोंट नो, बट पैटर्न ऐसा होना चाहिए। उसके बेसिस पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, टाइमिंग को तो ऑफ कोर्स हम रेस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे। हमारा एक प्रीफरेबल ट्रेड ये बनेगा कि मार्केट गैप अप करे, गैप अप करके एक सेल दे और ये लेवल क्रॉस ना करे। दिस हैज टू बी द सपोर्ट, ये वाला जो है ना लाइन अराउंड 41,300 जो एक क्रूशियल लेवल है, वहां से मार्केट 11 बजे से बाइंग देना चालू करे। ये कितना बड़ा बाइंग देगा वी डोंट नो, यहाँ तक भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 600 तक भी आ सकता है, वी डोंट नो कितना बड़ा बाइंग आएगा। बट 2 बजे तक हम अपना 1:45 तक हम अपना बाइंग क्लोज कर देंगे, 2 to 2:30 एक सेल ऑन राइज लेने की कोशिश करेंगे। दैट सेल ऑन राइज वुड बी वेरी गुड अगर मार्केट 41,600 तक पहुंच जाता है, एक ब्लाइंड सेल हमारी बनती है एटलीस्ट 150 पॉइंट्स ये वाली, उसके नीचे कितना आ गया वी डोंट नो, बट 150 पॉइंट की सेलिंग डेफिनेटली बनती है अगर 2 बजे के आसपास मार्केट 41,630 में एक रेड कैंडल बनाना चालू करता है हमारा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी अपर साइड कैपिंग लेवल है कल की, ठीक है। ये एक ट्रेड आपकी अच्छी बनेगी। मॉर्निंग में कितने लोग ट्रेड ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे वी डोंट नो, दो सेल ऑन राइज माइट बी स्लो बिकॉज ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, ओके। बट बाई ऑन डिप्स में देखते हैं, बाई ऑन डिप्स भी स्लो ही दिख रहा है, इतना बड़ा तो दिख नहीं रहा, तो मेरे को एक मोटा मोटा रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो देख के ट्रेड करना कल फ्राइडे को, ठीक है, 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऐसे अगर ऑप्शन आपको मिल जाती है और आपकी एंट्री सही हो जाती हो, नथिंग लाइक दैट, 50-50 पॉइंट लेने की कोशिश करना। 100-150 पॉइंट्स भी आपने बैंक निफ्टी में ले लिया दिन भर में 2-3 ट्रेड में, देन दैट इटसेल्फ इज ए फैंटास्टिक ट्रेडिंग फॉर टुमारो एज पर माई व्यू, ओके। जो मेरा व्यू है अगर मार्केट ये लेवल, ये जो सपोर्ट लेवल है हमारा 41,330 का जो लेवल है, अगर मार्केट ये 11:30 बजे तक क्रॉस नहीं करता है देन देयर इज हाई चांसेस के ये लेवल कल सेव हो जाएगा डाउन साइड में भी, ओके। ये ऊपर जाएगा गिरेगा बट ये लेवल सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसी के साथ हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट, दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है
तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये यहां तक एक बार, ये जो स्विंग लोज है यहां तक एक बार आ जाए, बट मुझे थोड़ा रेयर लग रहा है, बट शायद आ जाए। फिर हम यहाँ पे बाइंग करेंगे 11 बजे के आसपास, यहाँ पे बाइंग करेंगे, हमारी बाइंग की टारगेट यहाँ तक रहेगी, उसके ऊपर क्या तो ठीक है, 2 बजे के बाद फिर सेल करेंगे हम, ऐसा ठीक है। दिस माइट बी ए पॉसिबिलिटी, इट ओनली बी ए पॉसिबल इफ मार्केट ओपन्स फ्लैट और मार्केट ओपन्स बिलो दिस लेवल, देन ओनली, अदरवाइज प्रेफरेबल ट्रेड ऊपर से होना चाहिए, गैप अप सेल बाय ऑन डिप्स एंड 2 to 3:30 अगेन सेल, उस व्यू के साथ हम सेल करेंगे। और ये जो बाई होगी आपको, अगर ये सिनेरियो बनता है, आपकी बाइंग आइडियली 41,150 के लेवल के आसपास होना चाहिए, 150-130 के लेवल के आसपास होना चाहिए, अराउंड 11 o'clock, ओके राइट। और यहाँ पे W का प्राइस एक्शन देखना, प्राइस एक्शन W बनाएगा तो ही बाय करना है आपको, पहला पुल बैक में बाय मत कर लेना, सेकेंड पुल बैक को बाय करना और यहाँ तक आ जाएगा मार्केट मोटा मोटा, ओके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 100 to 200 point की बाइंग, ओके ठीक है, मोटा मोटा ये अपर साइड की कैपिंग यही है, डाउन साइड की कैपिंग यही होनी चाहिए अगर मार्केट गैप अप किया, मार्केट गैप डाउन किया तो शायद 41,100 एक बार आ भी जाए झटके कैंडल के साथ, पॉसिबिलिटीज है ठीक है, क्लियर। निफ्टी में देखो, निफ्टी जैसे गया है ना, मुझे नहीं लगता कि मार्केट गैप डाउन करेगा। वैसे अगर आप देखोगे एसजीएक्स निफ्टी 855 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 855 इज दिस ऑलमोस्ट दिस, देखते हैं गैप अप कितना करता है। हाउएवर दो तीन चीजें यहाँ पे निफ्टी में आपको याद रखनी पड़ेगी, निफ्टी की जो कल की अपर साइड कैपिंग है वो 870 की है, थोड़ा हायर है, 870 की है। दो सिनेरियोज आपको यहाँ पे ध्यान बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहली चीज, ये एक्चुअली हमारी एक सेल जोन बनती है यहाँ पे, है ना, ये सेल जोन बनती है सप्लाई के हिसाब से, राइट। सेल जोन की ट्रेडिंग सबको याद होनी चाहिए, मैं बहुत बार ग्रुप में बोला हूं, अगर मार्केट गैप अप ओपन होके नीचे आता है और यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है सेल जोन पे, विच इज टुडेज डे हाई ऑलमोस्ट, और इस तरह की एक पैटर्न बनाता है, हाई चांसेस है कि मार्केट 850 तक दोबारा आए, 870 तक भी आ सकता है, बट 850 तक दोबारा आ जाए और फिर 2 बजे के बाद यहाँ पे सेल करे मार्केट, ठीक है। अब यहाँ से भी बाई कर सकते हो, या फिर बीच में से अगर मार्केट कहीं घूम के ऊपर जाता है, ये लेवल के ऊपर भी 810 के ऊपर आप 40 to 50 point की भी बाइंग आप कर सकते हो, क्योंकि यहां से ऊपर जाए या मार्केट ये लेवल के ऊपर जाए 850 एक बार मार्केट मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, 870 भी आ सकता है बट 850 एक बार आ जाना चाहिए बिफोर द फॉल, सो दिस वुड बी आवर प्रेफरेबल ट्रेडिंग फॉर श्योर मार्केट। हाँ, लेकिन जो बाइंग होगी ना, वो बाइंग बेसिकली आप 10:30 के बाद करने की कोशिश करेंगे, इवन अराउंड दिस लेवल। और एक सिनेरियो हमारी बनेगी जो बैंक निफ्टी में है, देखो ये हमारी डिमांड सप्लाई के हिसाब से सेल जोन हमारा ये है, ये कैंडल स्टिक के हिसाब से है, ये अपना इंडिकेटर के हिसाब से है, और दिस गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल लेवल। अगर मार्केट यहाँ पे बाई नहीं देता है तो यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको बाई देगा। तो 11 बजे के आसपास अगर मार्केट 17,730 पे आपको मिल जाता है, बिल्कुल बाय करना स्विंग हाई कट पे और मिनिमम यहाँ तक लेके आना, 86 तक, 80 point की बाइंग, 80 points की बाइंग डेफिनेटली आएगी, फिर ये सेल जोन फिर काम नहीं करेगा, ठीक है, अगर मार्केट यहां से जा रहा है सपोर्ट लेके, ठीक है। तो यही दो सिनेरियो के साथ ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट एनी लेवल अबव टुडेज हाई, अगर मार्केट ओपन होता है, दैट मींस एनी लेवल अबव 780-790 जो मुझे लगता है कि हो जाएगा, अगर होता है तो मार्केट कल ये लो नहीं काटेगा, 17,730 नहीं काटेगा। अगर आपको मिलता है ये बाय करना है आपको, क्योंकि 145 तक हमारी बाइंग है, 145 के बाद कोई बाइंग रखना मत, 2 बजे से एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सेल अटेम्प्ट जो होगी आपकी यहाँ से भी हो सकती है 810, अगर ये गैप डाउन वाला सिनेरियो बनता है, अगर गैप अप बनता है तो 850-870 के रेंज से आप सेल कर सकते हो। 870 टच किया तो मोटा मोटा ब्लाइंड सेल ही है 2 बजे के बाद, ठीक है। सीबीयू के साथ ट्रेड करेंगे, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। आज मैंने लाइव में आपको आइडियली 2 ट्रेड दिए थे, अगर आपको याद होगा तो एक ट्रेड जो हमारा था वो ये था, जब मार्केट ये ग्रीन कैंडल बना रहा था मैंने बोला कि मार्केट को गिराओ, दिस इज लाइक 100 points फॉल, 216 to 300, 150 point का फॉल, 130 point का फॉल है, ये एक फॉल जो मैंने दिया और एक फॉल मैंने एडवांस में दिया था आपको, ठीक है। तो कल अगर वैसा कुछ मिलेगा तो मैं बता दूंगा, उसके हिसाब से ट्रेड करना, अदरवाइज बाकी अपने हिसाब से कर लेना जो वीडियो के व्यूज है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।